वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल GS Vlogs उड़ान में। और आज मैं आप सभी दोस्तों को लेकर आ चुका हूँ दरबार साहब यानी गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में। और आज मैं सारा दिन आज आपको गोल्डन टेंपल के बारे में, दरबार साहब के बारे में विस्तार से आपको बताऊँगा, उसका इतिहास मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए, आप लोगों का समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला पड़ाव है वो है यात्री निवास के समीप जोड़ाघर। जी हाँ, जोड़ाघर, जहाँ हम अपने जूते चप्पले या अपने जोड़ों को वहाँ पर रखेंगे। यहाँ देखिए जूते चप्पलों की यहाँ पर सुंदर व्यवस्था। तो जूते चप्पल आप यहाँ खोलकर यहाँ रख सकते हैं बिना कोई चार्ज के। इसे हम जोड़ा घर भी कहते हैं। आपको एक टोकन दी जाएगी, आप दर्शन करने के बाद आप आ सकते हैं। हमारे अब जूते चप्पल में यहाँ जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये माता माता गंगा जी निवास, रिहाइश के लिए आपको यहाँ भी रूम मिल जाएंगे। और मेरे ठीक उल्टा में भी देखिए, यहाँ भी है श्री गुरु हरगोविंद जी निवास, यहाँ भी आपको रूम मिल जाएंगे, एसी और नॉन एसी रूम। तो आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ भी आके आप रूम ले सकते हैं। लोग कोको कोला का मजा लेते हुए 6 रुपए में ठंडी बोतल। ये रहा हमारा SGPC का मुख्य दफ्तर, श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जो कि ऑल इंडिया के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका ये कमांडिंग ऑफिस है। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण, जिसे समुद्री हॉल भी कहते हैं, ये उनका दफ्तर है। तो यहाँ भी जितने भी फैसले, जितने भी मीटिंग्स होते हैं, फैसले यहीं लिए जाते हैं। और यहाँ इनका कमांड, जितने भी हमारे बड़े गुरुद्वारे और तख्त साहब हैं, उनका कमांड यहीं से हुआ करता है। तो ये रहा SGPC। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये रहा उनका दफ्तर। हम दरबार साहब में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी एक 4 दरवाजों में से एक दरवाजा है, जिसके मैं बारे में आपको बताते जाऊंगा। ये रहा दीवान हाल मंजी साहब, काफी महत्वपूर्ण जगह है ये। ये वो स्थान है जहां हमारे पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी यहाँ बैठकर 12 माह की वाणी के बारे में यहाँ बोला करते थे, भक्तों को यहाँ पर गुरबाणी के बारे में बोला करते थे। और ये वो हॉल है जहाँ पर गुरबाणी के व्याख्या को यहाँ रोजाना प्रसारण किया जाता है, दीवान हॉल मंजी साहब जिसे कहते हैं। और यहाँ बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम होते हैं इस हॉल में, यहाँ हॉल में किए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ गुरु अर्जुन देव जी बैठकर यहाँ पर संतों को संबोधित करते थे। ये तस्वीरें देखिए, उन
शहीदों की है, उन सेवकों की है जिन्होंने दरबार साहब की रक्षा हेतु कितने कष्ट उठाए और जुल्म सहे। और इन तस्वीरों में आपको इतिहास के बारे में भी पता लगेगा। तो इस इतिहास को अगर जानना है तो सिख इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम दरबार साहब की ओर। तो हम अभी प्रवेश करने जा रहे हैं उस पवित्र धाम में जिसे कहते हैं दरबार साहब। और यहाँ देखिए दरबार साहब को के अंदर जाने के लिए अपने पवन जल से इस पवन जल में हमें अपने पैरों को शुद्धि करना होता है ताकि किसी प्रकार का भी गंदगी और कण धूल धक्कड़ इस दरबार साहब के परिक्रमा पर ना जाए। और ठंड के बस जगह में भी दिनों में यहाँ पर गर्म जल की व्यवस्था रहती है ताकि भक्तगणों को श्रद्धालुओं को अपने चरण धोने का कोई भी कष्ट ना हो। तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए मेरे कैमरे के एंगल से दरबार साहब, उस दरबार साहब के बारे में जिसको आपको सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। तो नतमस्तक होते हैं हम इस पावन धाम पर। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की यहाँ भीड़ यहाँ दोस्तों है। चलिए हम दरबार साहब में अपने गुरुओं को याद करते हुए माथा टेकते हैं और याद करते हैं उन पवित्र गुरुओं को, उन ईश्वर को जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार की रचना की। तो जब भी हम अमृतसर आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम दरबार से आए, माथा टेके और स्नान करें। तो ये देखिए सरोवर में रंग बिरंगी मछलियाँ इस तरह तैर रही है, जिनका एक साइंटिफिक कारण है इस सरोवर में रखने का, क्योंकि ये जल को स्वच्छ रखती है। और देखिए कितना खूबसूरत जल, शांत सरोवर, कितना मनमोहक लग रहा है और चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़। तो ये अमृतसर की स्थापना हमारे सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। और ये देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो बड़ा सा नल लगा हुआ है, ये टैप लगा हुआ है, इस सरोवर का जल रावी नदी से आता है और उसको साफ सुथरा करके इस सरोवर में डाला जाता है। तो सिखों के पंचम गुरु गुरु अर्जन देव जी ने दरबार साहब का निर्माण किया था। और ये जो सामने देखिए बिजली का खंभा तकरीबन 250 साल पुराना है, अब मात्र 4 ही ये खंभे रह गए हैं जिनको कि उस याद में संजो कर रखा गया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। किस तरह दरबार साहब में पहले बिजली का यहाँ की बिजली की स्थापना की गई थी जिसका काफी विरोध हुआ था, इसके बारे में आपको विस्तार से अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए हम अब उस स्थान पर पहुंचते हैं जो कि सिखों के इतिहास में बहुत ही उत्तम स्थान रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा दीप सिंह जी शहीद, जिन्होंने दरबार साहब की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह ने जब दरबार साहब को तोड़ने का हुक्म दिया था और सरोवर को नष्ट करने का हुक्म दे दिया था, तब बाबा दीप सिंह जी जो कि एक काफी निपुण योद्धा थे, तब उनकी घटना 1757 की है जब बाबा दीप सिंह और तैमूर शाह के जनरल जहा खान के बीच में काफी भयानक युद्ध हुआ, जो कि अमृतसर से कुछ ही दूरी पर एक गोहरवल गांव है। उस युद्ध में दोनों फौजें एक दूसरे में भारी पड़ रही थी, पर बाबा दीप सिंह जो कि 76 साल के उम्र के थे और काफी
निपुण योद्धा के साथ लड़ रहे थे, पर जहां खान के भरपूर वार से बाबा जी का सर धड़ से अलग हो गया, पर फिर भी बाबा जी ने अपने हाथों पे अपने सर को लेकर अपने दोधारी खंडा जो कि 16 केजी के आसपास था, वो लड़ते हुए अफगानियों को यहाँ से खदेड़ कर दरबार साहब को मुक्त किया। तो बाबा धन है बाबा दीप सिंह, जिन्हों आज भी लोग बड़ी सम्मान से याद करते हैं और श्रद्धा रखते हैं। ये देखिए दरबार साहब का ऊपरी हिस्सा जो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा चढ़ाया गया सोना ऊपर लगाया गया है। ये 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने सोना दान किया था और दरबार साहब को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। और ये देखिए दरबार साहब का दूसरा दरवाज़ा, जिसे हम आटा मंडी या सराय वाला दरवाज़ा भी कहते हैं। तो सिखों के दरबार साहब में 4 दरवाजे का होने का मुख्य कारण है कि हमारे गुरुओं ने इस दरबार साहब को सभी धर्म के जाति के लोग, हर प्रांत के लोगों के लिए, पूरे संसार को चारों दिशाओं से खोल दिया था, ताकि यहाँ कोई भी आए और यहाँ पर श्रद्धा रखते हुए यह माथा टेक सकें और उस ईश्वर को याद कर सकें। तो देखिए लोग सरोवर के आसपास श्रद्धा के साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, स्नान करने की यहाँ पर भी उत्तम व्यवस्था है, स्त्रियों के लिए अलग शेड बनाए गए हैं, लोग अपने आप को इस पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को पाप मुक्त करते हैं। तो धीरे धीरे लोग परिक्रमा पर चलते हुए, देखिए सामने एलईडी स्क्रीन पर गुरबानी जो दरबार साहब में चल रही है वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर आती जाती है और लोग यहाँ भी सुन सकते हैं। और हम आ चुके हैं प्याऊ में, जहाँ आपको शीतल जल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दोस्तों, यहाँ कभी भी ग्लास की यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक बाटा है, एक कटोरी नुमा बाटा है जो सिख इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण जगह रखता है। तो हम धीरे धीरे अब बढ़ चुके हैं प्रसाद घर की ओर। ये जी हाँ, यहाँ प्रसाद घर है, जहाँ आप एक पर्ची लेकर अपनी श्रद्धा के हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं, चाहे वो 21 रुपया का हो, 51 रुपया का हो या 101 रुपये का हो। तो यहाँ से आप कड़ा प्रसाद लेकर उसे भोग लगा सकते हैं। तो काउंटर में आप कंप्यूटराइज स्लिप मिल जाएगी आपको, लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग हैं। तो देखिए हमने भी प्रसाद की देख ले ली है, इसे देख कहते हैं, और इसे अब हम इसे देख पे लेके जाएंगे और उनका भोग लगाएंगे। तो ये देखिए कड़ा प्रसाद दी डेक इथे कृपान पेट करो जी। यहाँ पर देखिए आपके प्रसाद को भोग लगाया जा रहा है और ये प्रसाद ये दरबार साहिब में चला जाएगा, जहाँ संगत को इस प्रसाद को दिया जाएगा। ये देखिए देखिए वाहेगुरु लिखा हुआ है। अब हमने भी प्रसाद ले लिया है। तो ये देखिए धन है लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये देखिए ये तीसरा गेट, जिसे हम थाड़ा साहब गेट या खजाना गेट भी कहते हैं। और ये देखिए छोटी सी लिफ्ट लगी हुई है, जो जिन लोगों के पैरों में कोई तकलीफ है तो इस लिफ्ट, छोटी लिफ्ट के, स्लाइडिंग लिफ्ट के जरिए भी आ सकते हैं। और हम आ चुके हैं दर्शनी ज्योरी, जहाँ लिखा हुआ धन धन श्री गुरु रामदास जी। जी हाँ, सिखों के चौथे गुरु जिन्होंने सरोवर का निर्माण किया और अमृतसर को, नगरी को बसाया। और ये देखिए इलेची बेरी, जिनका बहुत ही सिखों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये तकरीबन करीब करीब 550-550 वर्ष पुरानी बेरी है, जहाँ इलेची के आकार के बेर लगते हैं। यहाँ इस बेरी के नीचे बैठ कर गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिखों के पंचम गुरु थे, वो दरबार साहिब का निर्माण यहाँ पर बैठ के उसको सुपरवाइज करते थे और यहाँ बैठकर संगत को संबोधित करते थे। ये देखिए गुरुद्वारा लेची बेर भी है, छोटा सा गुरुद्वारा यहाँ पर। तो अगर आप बहुत ही किस्मत वाले हों तो बेरी के जो पके हुए पेड़ आप देख रहे हैं,
वो अगर नीचे गिरते हैं तो आप उसे एक करिश्मा समझिए और आपका भाग्य समझे। तो देखिए जब हम गए थे उसे कच्चे बेर लगे हुए थे, ये नवंबर का पहले हफ्ते का सीजन है और देखिए हम आ चुके हैं सिखों के प्रथम तख्त, सर्वोत्तम तख्त जिन्हें हम अकाल तख्त कहते हैं। ये तख्त सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहब जी ने बनाए थे और ये देखिए श्रद्धालुओं का रेला भीड़ देखिए उस दिन किस तरह की अपार भीड़ है। दर्शनीय द्वारी के सामने लोग खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये देखिए अकाल तख्त जो कि सिखों का सर्वप्रथम तख्त है। गुरु हरगोबिंद जी ने इस तख्त को अपने हाथों से स्वयं निर्माण किया था, भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी के सहयोग से बिना किसी कारीगर को लगाए उन्होंने एक चबूतरा नुमा एक रेस प्लेटफॉर्म बनाया था जहां वो बैठकर संगत को न्याय दिया करते थे। और ये देखिए अकाल तख्त में सिखों के ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र, सिखों का इतिहास संजो के रखा गया है। इसी अकाल तख्त में गुरु ग्रंथ साहब जी को संध्या वेले के बाद विश्राम के लिए रात को यहाँ पर लाया जाता है और फिर सुबह यहाँ से उनको प्रकाश के लिए ले जाया जाता है। तो अकाल तख्त जो कि पांच तख्तों में से एक है, तो अकाल तख्त के फरमान जो होते हैं वो भारतवर्ष के जितने भी गुरुद्वारे होते हैं वो फरमान उन पर लागू होते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैं अगले पार्ट में दरबार साहब के बारे में और भी आपको जानकारी दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें।